सहारा जागृति मंच संस्थान द्वारा आज महानपुर तहसील के नौशहरा गांव में सहारा जागृति मंच संस्थान के संस्थापक श्री संजीव कुमार वर्मा व भाजपा नेता अक्षय भारती जी ने मंच द्वारा चलाए जा रहे सिलाई केंद्रों पर जाकर मास्क तैयार कर रही महिलाओं को सम्मानित किया और उनको चेक देकर भेंट किया। शिवाली शर्मा सर, थोड़ी दूर एक तहसील महानपुर में नौशहरा गांव में आज मेरा आना हुआ और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा सहारा जागृति मंच के प्रेसिडेंट संजय वर्मा जी का, जिनके साथ मेरा आज यहाँ पे आना हुआ और मुझे वो यहाँ पर लेकर के आए। मैं आपको बता दूँ कि सहारा जागृति मंच लगभग जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में लगभग 25,000 महिलाओं को साथ जोड़ करके जो एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे थे बैग बनाने का, लेकिन आपने देखा इस देश में पूरे विश्व भर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील महानपुर गांव नौशहरा की रहने वाली हूँ, तो इस मैं सहारा जागृति मंच एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस एनजीओ के प्रेजिडेंट श्री संजीव कुमार जी हैं। जैसे कि हमारे देश में कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना नाम के वायरस फैलने के की वजह से हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपना अपना सारी संस्थाएं अपना अपना योगदान अच्छी तरह से। मेरा नाम है नौशहरा, मैं उधर की रहने वाली हूँ और साढ़े पिंड सहारा जागृति मंच इन्हें सानू काम दिता मास्क बनाने का। पहले कि सानू एक काम देंदे हे बैग बनाने का, उदे कोलों बाद साढ़े देश में बीमारी आई कोरोना वायरस, उसकी वजह कने सानू सहारा जागृति मंच और सानू इन्हें सानू मास्क बनाने का काम दिता है और जनानियां सारियां खुश, मतलब कि अहीं मास्क बनाने का काम थोड़ा, पहले बैग बनाने का होंदा, हुण मास्क बनाने का काम।